आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी, शिक्षा नगरी पिलानी से शर्मसार करने वाला दृश्य। घुटनों तक पानी से भरे रास्ते से गुजरी शव यात्रा, शिक्षा नगरी पिलानी को शर्मसार करने वाला एक दृश्य सामने आया है। कस्बे में व्याप्त पानी की निकासी की समस्या के चलते आज एक दुखद दृश्य देखने को मिला। वार्ड नंबर 19 के पार्षद राजकुमार नायक ने बताया कि वार्ड में आज एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक को शमशान ले जाते समय रास्ते में भरे एक नदी रूपी जल सैलाब से गुजरना पड़ा। शव यात्रा के दौरान रास्ते में घुटनों तक पानी भरे होने से एक व्यक्ति का पैर भी फंस गया, जिसे चोट लगते लगते बची। गौरतलब है कि जिले में दो नगरपालिका वाला कस्बा व देश में शिक्षा नगरी के नाम से अपनी विशेष पहचान रखने वाला पिलानी कस्बे से इस तरह का दृश्य ने कहीं न कहीं नगरपालिका प्रशासन के विकास कार्यों के दावों की पोल खोल कर रख दी है। घटना शनिवार की है। नमस्कार पिलानी शहर के बंधुओं, आज पिलानी शहर में जो दृश्य देखने को मिला वो पिलानी शहर और पिलानी शहर की नगरपालिका को शर्मसार करने वाला दृश्य है। वार्ड नंबर 19 से एक महिला बुजुर्ग की मृत्यु हो गई, उसको शमशान घाट ले जाने के लिए जब रास्ते में नदी रूपी सैलाब देखने को अगर मिलता है तो यहां पिलानी शहर के लिए और इस नगर पालिका के लिए शर्म की बात इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकती। काफी दिनों से यह समस्या इस शमशान घाट के सामने बनी हुई है। यहां की नगरपालिका और यहां के अधिकारी सब मौन हैं। सभी पार्षदगणों के, यहां के नेताओं के या नगरपालिका के अधिकारियों के और यहां के अध्यक्ष जी के, सभी के ये समस्या संज्ञान में है, लेकिन इस समस्या का समाधान कब होगा ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन आज जो दृश्य देखा, इस दृश्य को देखकर अपने आप पर हीन भावना महसूस होने लगी कि मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूं, मैं भी जनता के हितों की रक्षा के लिए इस जनता के द्वारा चुनकर इस नगरपालिका में आया हूं, लेकिन मैं अपने आप को एक एहसास समझने लगा हूं। अगर आप आवाज उठाओगे तो आप पर मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। अगर कोई पार्षद जनता के हित में या इस शहर के हित में कुछ काम करेगा तो आप पर मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। खैर, मैं इतनी लंबी चौड़ी बहस में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन नगरपालिका शहर के अधिकारियों से और यहां के चुने हुए प्रतिनिधियों से और अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें, इस समस्या को संज्ञान में लेकर इसकी समस्या का निराकरण करें। आज जो दृश्य देखा, एक भाई का तो पांव किसी खड्डे में चला गया, खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाता, उसका पांव टूट जाता तो बहुत बड़ी बात होती, या शमशान घाट में जाते समय वो जो अर्थी थी या नीचे गिर जाती तो हिंदू संस्कृति के हिसाब से वो अपशकुन माना जाता। बड़ा दुख का विषय है। इस विषय को इस पिलानी जनता को और इस पिलानी जनता के प्रतिनिधियों को सोचना होगा। मैं फिर आपसे सबसे आग्रह करूंगा कि इस विषय पर जल्द से जल्द संज्ञान लें। जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, यहां के नेताओं को भी जागरूक होना पड़ेगा और पिलानी शहर को भी जागरूक होना पड़ेगा। कृपा कर इस बात पर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर इस समस्या का समाधान करें।